हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बीटरूट का रायता। उसके लिए मैंने यहाँ लिया एक बाउल बीटरूट, जो मैंने बड़ा वाला बीटरूट है वो, जिसको मैंने किस के रख दिया है। एक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कड़ी पत्ता है जिसको भी मैंने काट लिया है, धनिया पत्ता, एक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप मिर्च के हिसाब से ले सकते हैं। कुटी हुई जीरा, मस्टर्ड यानी सरसों, काला नमक, नमक अपने हिसाब से, और एक बाउल दही। चलिए, अब मैं एक पैन ले लिया है, उसमें एक चम्मच जितना तेल डाला है मैंने। जैसे तेल गर्म होगा हमारा, चलिए तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड। जैसे मस्टर्ड थोड़ा छिड़कने लग जाए, उसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता जो काट के रखा था हमने, फिर डाल देंगे जो प्याज, हरी मिर्च, हमें ज्यादा भुनना नहीं है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, बस हल्का सा भुनना है। वैसे ही हम डाल देंगे जो हमने खींच के रखा था उस बीटरूट को। हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि तो हमें सब्जी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ रायता बनाना है। ये 2-2.5 मिनट हो चुका है भूनते हुए, बंद कर देते हैं गैस को। अभी हम इसको अभी ठंडा करेंगे, क्योंकि गरम 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 दही में नहीं डालते, जैसे ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम दही में मिक्स करेंगे। तो ये बीटरूट जो है ठंडा हो चुका है, हम इसे दही में डाल देंगे। के साथ जो हमने कूट के रखा था वो जीरा डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से, थोड़ा सा काला नमक फ्लेवर के लिए, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हेल्दी सा बीटरूट रायता बन चुका है, ऊपर से हरे धनिया डाल देंगे। अभी ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके बताइए मेरा वीडियो कैसा बना है। थैंक यू।